हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एक होटल वाले की कहानी। चलो सुनते हैं। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से एक होटल खोला जिससे मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए। वाह, यहाँ की चाय कितनी अच्छी है। हाँ, सही बोला तुमने, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, इस तरह से राजू के दुकान की चाय फेमस होने लगी। अरे राजू भैया, आपकी चाय हमें बहुत पसंद है। थैंक यू रानी जी। राजू भैया, क्या मुझे 10 चाय पार्सल मिलेगा? हाँ हाँ रानी जी, जरूर मिलेगा। तो राजू भैया, कितने पैसे हुए? एक चाय का 10 रुपए, तो इस हिसाब से 10 चाय के 100 रुपए। तो एक दिन राजू के मन में एक ख्याल आया। अरे वाह, मेरी चाय सब लोगों को बहुत पसंद आने लगी। अभी मैं एक दूध की पैकेट से 5 चाय बना रहा हूँ, तो वही एक पैकेट से मैं अगर 8 चाय बनाऊंगा तो मुझे काफी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगले दिन क्या हुआ देखो दोस्तों। हे, आज चाय ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ सही बोला तुमने, आज की चाय कुछ अलग लग रहा है। राजू भैया, आज आपकी चाय कुछ अलग लग रही है। नहीं नहीं, पहले जैसा ही है। राजू भैया भी बदल गए। चलो चलते हैं, इनके चाय का टेस्ट बदल गया है। चलो यहाँ से। अरे आज कोई ग्राहक आया ही नहीं। इस तरह से राजू के ग्राहक एक एक कर दुकान आना बंद कर दिए और राजू की दुकान डूब गई। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? लालच बुरी बला है।